हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू textbook.com। आई होप सो ऑडियो वीडियो आपको अच्छे से आ रही होगी, है ना। और जल्दी से फटाफट से बताएंगे ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रही है, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देंगे। तो एक साल के जो इम्पोर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स है और स्टैटिक फैक्ट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 यहाँ पर हो रहा है, तो आप लोग यहाँ से शुरू से लेकर के अंत तक सारे प्रश्नों के यहाँ पर आपको जवाब देने हैं। और उसके बाद से आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो नंबर्स है आपके एग्जाम्स में वो इंक्रीज करेंगे अगर आप ये क्वेश्चंस को जवाब देंगे। तो अगले 2021 से लेकर के 2022 तक जो भी हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सबका हम यहाँ पर रिवीजन करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, और ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रही है तो मुझे बताएंगे सभी लोग कि सर ऑडियो वीडियो एकदम अच्छे से आ रही है। जल्दी से जनता बोलिए सर ऑडियो वीडियो एकदम अच्छे से आ रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका जो टेक्स्ट बुक पास है जिसमें आपको इतने सारे एग्जाम्स के जो है वो नोटिफिकेशन मिलते हैं, मतलब 510 अलग अलग एग्जाम्स है, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, सभी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आपको एग्जाम्स जो है वो मॉक टेस्ट देने को मिलते हैं। लगभग 37,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है। ये 399 रुपए का मिलता है, लेकिन आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं PACPASS, देखिएगा ये कूपन कोड को लगाना है आपको बिना स्पेस के कैपिटल में, तो ये आपको मिलेगा 360, मतलब 360 रुपए का मिलेगा। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको मॉक टेस्ट देने का, एक साल तक सभी मॉक टेस्ट आपके ओपन हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड आपका ये रहा, ये आपका कूपन कोड है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो पूरे क्वेश्चंस लगाएं साथ में बैठ करके। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है, कुछ हमारे पूरे एक साल के करंट अफेयर्स है जो यहाँ पर आप करने वाले, ठीक है। चलिए, तो जो बेडन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जैसे कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसकी मेजबानी हमारा कौन सा राज्य कर रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिनकी शुरुआत 2021 में हमारे होनी थी लेकिन अब 2022 में हो रहे हैं ड्यू टू द कोविड। यहाँ जनता बोली है सर कर्नाटक होना चाहिए, कर्नाटक इज राइट आंसर। बैंगलोर में ये हमारा टूर्नामेंट हो रहा है, तो बैंगलोर कर्नाटक में हो रहा है, आप बिल्कुल सही है। दक्षिण की गंगा के नाम से आप किसको जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से आप किसको टिक करने करके आएंगे, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है, दक्षिण गंगा के नाम से आप किसको जानते हैं। बहुत बढ़िया, जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सर 465 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, भारत की दूसरी, भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं, गोदावरी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। फ्रेंच ओपन 2021 का टाइटल किसने जीता है मेंस कैटेगरी में, राफेल नदाल है, नोवाक जोकोविच है, रोजर फेडरर है या स्टेफानोस टेफनेस है। तो जवाब क्या होना चाहिए, सभी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जनता बहुत बढ़िया, जनता बोली है सर अगर फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, फिर फ्रेंच ओपन आता है, फिर हमारा विंबलडन आता है और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो ये तीनों के तीनों, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये तीनों के तीनों नोवाक जोकोविच ने जीते हुए हैं, तो नोवाक के ऊपर टिक करके आना है। और जो हमारा यूएस ओपन है इसको हमारे मेंदेव ने जीता हुआ है, तो यहाँ पर आसान बन जाता है क्वेश्चन, जब तीनों एक ही जीता हुआ है तो नोवाक के ऊपर टिक करना है, नंबर लेके आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, योग 2021, योगा दिवस 2014 से हमारा इंटरनेशनल योगा दिवस है, इसका जो मस्कट है और इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको तैयार किया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन है, क्या होना चाहिए दोस्तों। जनता यहाँ पे जवाब दे रही है कि सर सही जवाब होना चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पर बोल रहे सर योग 2014 से इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और नाम से ही आपको पता चल रहा होगा योग आयुर्वेद, योग यूनानी जो हमारी मिनिस्ट्री है जिसको आयुष बोलते हैं, सर्बानंद सोनवाल जिसके हमारे मिनिस्टर साहब है, तीन नंबर यहाँ पर टिक करना है, नंबर मिल जाएगा। आगे चलते, अगला क्वेश्चन क्या, दुनिया की सबसे खारी सैलाइन, सबसे सैलाइन वाटर किसका है, जहां पर तैरना बहुत आसान है, कैस्पियन सी है, डेड सी है, अरल सी है, रेड सी है, क्या होना चाहिए जल्दी से। जनता बोले कि सर आपने पूछा सबसे खारी झील कौन सी है पूरे वर्ल्ड की, जो सबसे हमारा निचला पॉइंट भी है उसका नाम है, बहुत बढ़िया, सभी लोग बोले सर डेड सी होना चाहिए, जॉर्डन में आपको देखने को मिलेगा, सबसे खारा पानी इसी का है, डेंसिटी सबसे ज्यादा डेंसिटी घनत्व वाला जो वाटर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। कैस्पियन सागर
पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है, बड़ी झील सबसे बड़ी कैस्पियन सागर है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हमारा जो रेल बजट है इसको हमने जनरल बजट में मर्ज किया था कौन से साल में? 7 में, 9 में, 12 में या 16 में? कौन से साल में रेल बजट और हमारा जो जनरल बजट है दोनों आपस में मर्ज कर दिए गए थे? तो यहाँ पे जनता बोल रही है, सर रेल बजट और हमारा जो जनरल बजट है इन दोनों को मर्ज किया गया था। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, 2016 में नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर मोदी जी ने इसको मर्ज कर दिया था। तो यहाँ पर 2016 जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, 1924 से ये हमारा जो रेल बजट था वो दो दिन पहले आता था, ये एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। एकवर्थ कमेटी ने बोला था 1924 में कि रेल बजट जो है वो हमारे जनरल बजट से अलग होगा और दो दिन पहले ये घोषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। विजय हजारे का जो टूर्नामेंट है वो किसने जीता है? तो हमारे एग्जाम में पूछा गया था मुश्ताक अली टूर्नामेंट किसने जीता था। अब तुमसे अगर पूछा गया विजय हजारे टूर्नामेंट किसने जीता है तो क्या जवाब देंगे? तो मुश्ताक अली जो टूर्नामेंट है वो तमिलनाडु ने जीता था, लेकिन विजय हजारे की बात करेंगे, ये दोनों टूर्नामेंट हमारे क्रिकेट से संबंधित है और ये जीता था पृथ्वी शॉ ने, बहुत अच्छी बैटिंग की थी। और सही जवाब होना चाहिए ये मुंबई ने जीता है, विजय हजारे टूर्नामेंट मुंबई ने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीती है। ये पूछा जा चुका है और ये पूछा जाना बाकी है। यहाँ पर मुंबई इज राइट आंसर है ना। बिल्कुल पृथ्वी शॉ ने यहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग की थी। अच्छा एक बात बताइए, हमारे इस साल के जो राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये कहाँ पर होने वाले हैं? मेलबर्न में, ग्लासगो में, बर्मिंघम में या विक्टोरिया में? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग 100 का आंकड़ा नहीं टच किए हुए हैं। जनता यहाँ पे बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए कि हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये होने हैं हमारे कहाँ पर? बिल्कुल बर्मिंघम, जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका सही है, बर्मिंघम यूके मतलब ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेंगे। और 2026 की भी हमारे पास डेट आ गई है, ये हमारे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं, तो ये दोनों हमको याद रखना है। एक क्वेश्चन है, देवी जागेश्वरी जो मेला है, जागेश्वरी जो देवी जागेश्वरी मेला है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भांडेर में है, चांदेरी में है, मांडू में है या घीघरा में है? सर ने क्वेश्चन पूछा है देवी जागेश्वरी जो फेयर है ये कहाँ पर लगेगा? जल्दी से, जल्दी से 120 के ऊपर चलते हैं। जगदीश जनता यहाँ पर बोली है सर सही जवाब होना चाहिए, ये जो हमारा चंदेरी है, चंदेरी जो सिल्क है ये बड़ी फेमस है कहाँ की? मध्य प्रदेश की। तो यहीं पर हमारा लगता है देवी जागेश्वरी मेला इंपॉर्टेंट है। चांगपा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? चांगपा जनजाति लद्दाख में, मणिपुर में, असम में या हमारे सिक्किम में? बौद्धिज्म को ये हमारे मानते हैं और बौद्धिज्म को ये सपोर्ट करते हैं, जनजाति चांगपा कहाँ पर होगी? तो जनता ये हमारे देश का सबसे नवीनतम यूनियन टेरिटरी है, सबसे नया हमारे देश का केंद्र शासित राज्य है, जिसकी कैपिटल लेह है और यहाँ के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर साहब है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जितने लोग बोल रहे हैं सर लद्दाख होना चाहिए वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो लद्दाख इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 हमारे नए इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन बने थे? न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन बने? अजय सेठ है, राकेश तिर्की है, रवि अरोड़ा है या के अब्दुल्ला सैयद है? बहुत बढ़िया, सही तरीके से जनता यहाँ पर पिक कर रही है, क्या लग रहा है? यहाँ जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए, हमारा जो आर्थिक मामलों के इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है उनका नाम है अजय सेठ। जितने लोग यहाँ पर अजय सेठ जवाब दे रहे हैं उनका जवाब यहाँ पे 100% सही है, यहाँ पे टिक कर देते हैं अजय सेठ के ऊपर। आपको बताना है कि जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस बने थे 7 जनवरी 2021 को, उनका नाम क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट कौन बने हैं? डॉक्टर एस मुरलीधर है, हेमा कोहली है, पंकज मित्तल है या हमारे संजीव बनर्जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पर बोल रही है सर इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, हमारे जो तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बने हुए हैं उनका नाम है, जनता बोलिए अजय, पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए हेमा कोहली, और ये प्रश्न हमारे पिछले बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो हेमा कोहली के ऊपर टिक करना। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? व्हाट वाज द नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका? बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, स्विमिंग है? अब भैया ये हमारे क्या गेम खेलेंगे, इनके साथ खुद ही गेम हो गया है। यहाँ पर जनता जवाब दे रही है कि सर श्रीलंका के अगर राष्ट्रीय खेलों की बात करेंगे, यहाँ की कैपिटल है नाइपाई रेडियो, राजपक्षे जो ब्रदर्स हैं वो यहाँ के
हमारे प्रेसिडेंट और क्या है, हमारे पीएम है गोटिबाया राजपक्षे, प्रेसिडेंट है महिंद्रा राजपक्षे, पीएम साहब है, और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल यहाँ के लोग खेलते हैं, लेकिन अभी इनका बॉल ही गायब है, सिर्फ बॉल बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आप ही लोगों ने बताया था इसका 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तब से 1950 से हम लोग 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे हमारा 1950 से सेलिब्रेट करते हैं। WHO के फाउंडेशन डे से इसका हेडक्वार्टर, जनता ने यहाँ पे कमेंट करके बताया, 130 के ऊपर बच्चे यहाँ पर चले गए हैं। खींचो थोड़ा सा आंकड़ा, यहाँ जनता बोलेगी सही जवाब होना चाहिए हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड। जितने यहाँ पे जिनेवा बोल रहे हैं उन बच्चों को यहाँ पे नंबर मिल रहा है, जिनेवा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मई 2021 में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? उदीम अजमल है, रोमेन डेका है, हेमंत बिस्वा सरमा है, या राजदीप रॉय है? असम कैपिटल सभी को पता है दिसपुर है, सबसे बड़ा हमारा जो शहर है वो गुवाहाटी है। ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, और यहाँ के हमारे जो सीएम साहब बने थे उनका नाम था हेमंत बिस्वा सरमा। यहाँ पर जितने लोग 3 नंबर जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, 3 नंबर वाले मुस्कुरा भी रहे उनका जवाब भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु हैड बीन हैड ए मीटिंग विद द यूएस काउंटरपार्ट एंटनी बिंकलेन इन G7 फॉरेन मिनिस्टर समिट? जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर देखा ना, मेरे दिमाग में काउंटर पार्ट आ गया कि हमारे हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो गुजरात से राज्यसभा के मेंबर है, गुजरात से राज्यसभा के मेंबर है, और उनका नाम अमित शाह है नहीं, राजनाथ सिंह है नहीं। जनता बोले सर एस जयशंकर के ऊपर टिक करिए, एस जयशंकर इज राइट आंसर। ये हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, नाम आपने सुना ही होगा, गुजरात से ये राज्यसभा में चुने गए, बहुत बढ़िया। गैथेलिया नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार है, असम है, गुजरात है, या केरला है? ये रहा क्वेश्चन मार्क, जवाब दो, और मैं इंतजार कर रहा हूं जल्दी से जनता 150 को क्रॉस करते है। जनता जल्दी से आप ही लोगों को क्रॉस करना है। जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए गैथेलिया नेशनल पार्क हो, सेडल पी नेशनल पार्क हो, झांसी रानी मनीर नेशनल पार्क हो, साउथ बटन नेशनल पार्क हो, ये सारे के सारे हमारे अंडमान निकोबार में पड़ेंगे। टिक करते हैं और नंबर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर जितने लोग 1 नंबर बोल रहे जवाब उनका सही है। अच्छा एक बात चाहिए, वाटर पोलो आपने देखा होगा, पोलो घोड़े पे बैठ के खिलाता है, वाटर पोलो पानी में खिलाता है, इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 6, 5, 7, 8, क्या होना चाहिए यार? ये क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? जनता बोलेगी सर गर्मी का सीजन है, वाटर पोलो ही खेला जाता है, आराम से नदी में जाइए, और वहां पे गांव में तो बच्चे ऐसे ही खेलते हैं नदी के अंदर, और इसको हमने गेम बना दिया। यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, है ना, 7। कबड्डी में भी शायद 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो के बराबर, तो 7 इज राइट आंसर। फ्लोरिडा में मिस यूनिवर्स का ताज 2021 में एंड्रिया मेजा को पहनाया गया, और फिर एंड्रिया मेजा ने हरनाज सिंधु को पहनाया था। तो एंड्रिया मेजा कौन से देश से संबंधित थी? ब्राजील, मेक्सिको, कनाडा या कोलंबिया? सर ने क्वेश्चन पूछा है कि एंड्रिया मेजा जो कि मिस यूनिवर्स बनी थी 2021 की, वो कौन से देश से संबंधित थी? बहुत बढ़िया, जनता ने यहाँ पर जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर ये जो फ्लोरिडा में हमारी मिस यूनिवर्स चुनी गई थी है ना, वो थी हमारी जो एंड्रिया मेजा, वो हमारे मेक्सिको की थी। जो मेक्सिको जितने लोग बोल रहे हैं उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ बिल्कुल सही, हरनाज सिंधु हमारे इस बार की है। चलिए आगे तब चलते हैं, कार्लिना बेलेंसुका जो है ये मिस वर्ल्ड है, तो इनका नाम भी हम लोग याद कर लेते हैं, कार्लिना बेलेंसुका ये मिस वर्ल्ड है इस बार की, ये भी हमको याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये पोलैंड की है जो हमारी 2022 की बनी है कार्लिना, ये पोलैंड की है। आपको बताना है कि कौन से IIT ने पोर्टेबल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इको फ्रेंडली जो हमारा क्रिमिनेशन सिस्टम है उसको बनाया था? तो ये IIT रोपड़ है, IIT कानपुर है, गांधीनगर है, या दिल्ली है? देखा था COVID-19 के वजह से कई सारे लोगों का जो है वो हम छोड़ करके गए, उनमें से ये बहुत सिस्टम डेवलप किया गया, ये कौन सी IIT थी? बिल्कुल आपको अभी क्लास के बीच में दूंगा टेलीग्राम लिंक, अभी तो क्लास के ऊपर फोकस करते हैं। IIT रोपड़ जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका सही है। इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, सिंगापुर, मनीला है, बैंकॉक है, हांगकांग है, क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। तो सर ने पूछा है इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनता बोले ऐसा सही जवाब होना चाहिए, कई लोग बोल रहे हैं
बैंकॉक कई लोगों ने बोला और कई लोग बोला है सर होना चाहिए हमारा सिंगापुर, तो यहाँ पर बैंकॉक इज राइट आंसर है। लेकिन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन आ जाएगा एपेक, इसका हेडक्वार्टर हमारा कहां पर है, सिंगापुर में। तो यहां पर याद रखना है कहां पर हमको टिक करना है, किसके ऊपर कहां पे हमको टिक करना है, बैंकॉक और कहां पर सिंगापुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीला में बेटा किसका हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मैत्री एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं, मैत्री एक्सप्रेस हमारे कौन से देश में चलाई जाती है, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, क्या होना चाहिए हमारी जो मैत्री एक्सप्रेस है कौन से देश में चलाई जाती है। बहुत बढ़िया, तो जनता यहाँ पर बोल रही है सर मैत्री एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, तो थार एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है, हमारी समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है, लेकिन मैत्री एक्सप्रेस जो है ये पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश में जाती है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था और हमारे हिंदुस्तान, अब 50 साल भी हो गए बांग्लादेश की आजादी के, तो यह मैत्री एक्सप्रेस चलती है ढाका तक। भारत का 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहां पर हुआ था, मुंबई में, गोवा में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, कहां पर हमारा अंतरराष्ट्रीय जो है वो फिल्म महोत्सव हुआ था, जल्दी जवाब देना है फटाफट से। चार पांच बच्चे जो है वो बोल रहे हैं सर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो चिल मारे थे जाकर के हमारे देश के जो सेलिब्रिटी है वो गोवा में, तो गोवा इज राइट आंसर। हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है एरिया के दृष्टिकोण में, पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। हमारा जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है इसका थीम क्या था 2021 में, चेंजिंग द यूथ पावर है, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन है, संकल्प से सिद्धि है, या उत्सव, युवा उत्सव नए भारत का, जो हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका थीम क्या था 2021 में। बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पर बोली गया सर सही जवाब होना चाहिए, हमारा जो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल हमारे विवेकानंद जी की जन्म दिवस पर, यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए युवा उत्साह नए भारत का, ये युवा जो होते हैं ना वो नए भारत का उत्साह होता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ घाना, घाना की कैपिटल क्या है, इजी क्वेश्चन है, घाना की कैपिटल आपको बतानी है और आंकड़े को 180 के ऊपर लेके जाना है, 180 प्लस, जल्दी से करते हैं। तो भैया देखो पोर्ट नोवो जो है ये हमारे मॉरिशस की कैपिटल है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है, ब्रसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, तो ये दोनों भी नहीं होंगे, आकरा टिक कर देते हैं, आकरा इज राइट आंसर, ये दोनों आकरा बोल रहे हैं उनका आकरा सही जगह जाकरा लग रहा है। जारो जनजाति जो है ये हमारे कौन से क्षेत्र में निवास करती हुई पाई जाएगी, जारो जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करेगी, अरुणाचल प्रदेश है, लक्षद्वीप है, छत्तीसगढ़ है, या अंडमान निकोबार है, जारो जनजाति। कहा जाता है कि ये सबसे पिछड़ी जनजाति है, आज भी ये मछली का शिकार करके तीर धनुष से खाते हैं, और ये हमारे पाए जाएगी, क्या होना चाहिए, जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए अंडमान निकोबार। ये सुनामी जब हमारे हिंदुस्तान में आई थी उस समय इस जनजाति के बारे में काफी हद तक हमको पता चला था, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। इटालियन ओपन का जो मेन सिंगल टाइटल है वो किसने जीता है, 2021 का इटालियन ओपन का मेन सिंगल टाइटल, क्या यहाँ पर फिर से नोवाक का नाम आ जाएगा, राफेल नदाल, या निकोल मैक्टिक है, मेट पाविक है, क्या होना चाहिए, इटालियन ओपन का टाइटल किसने जीता है। बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पर बोल रही है सर जितने बड़े ग्रैंड स्लैम थे 2021 के वो नोवाक जोकोविच ने जीता था, लेकिन इटालियन ओपन की अगर बात करेंगे तो ये राफेल नदाल ने जीता था, राफेल नदाल ने ये जीता था और इटालियन ओपन, बाकी के जितने बड़े ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन को छोड़कर के नोवाक ने जीता था। चलिए अगले प्रश्न को बनाते हैं, 2021 में हमारे यूएन की जो ओपन डिबेट थी उसको किसने एड्रेस किया था इंडिया की तरफ से, नरेंद्र मोदी है, पीयूष गोयल है, नितिन गडकरी है, या प्रकाश जावड़ेकर है, जल्दी जवाब देना है। सर ने क्वेश्चन पूछा है जो हमारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट है उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था। बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पर जवाब दे रही है सर सही उत्तर होना चाहिए है नरेंद्र मोदी, कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग पीयूष गोयल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सही जवाब यहाँ पर है प्रकाश जावड़ेकर, ये उस समय हमारे यहाँ के एनवायरमेंटल मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अभी इनके पास जो है वो चेंज हो गए, तो यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर सही जवाब है। इनमें से आप पोंग डैम किसको बोलते हैं, व्यास नदी के ऊपर बना हुआ ये डैम है, इसको पोंग डैम भी बोलते हैं, क्या होना चाहिए, हीराकुंड है, गांधी सागर है, महाराणा प्रताप है, टिहरी डैम है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर अगर आप पोंग डैम की बात करेंगे तो व्यास नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ डैम है, और यहाँ पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए महाराणा प्रताप सागर डैम, इसके ऊपर टिक कर देते हैं।
व्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी? व्यास नदी। व्यास नदी कहां से निकलती है? रोहतांग पास से निकलती है। बेटा ये रोहतांग पास वही है जिसके ऊपर अटल टनल बनी हुई है। अटल टनल जो सबसे हाईएस्ट एलिवेशन की टनल है वो रोहतांग पास पे बनी हुई है और यहीं से व्यास नदी निकलती है। पोंग डैम इसी पे बना हुआ है। सही है भाई साहब? अरे बोलो भाई, टिहरी डैम भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। भारत की सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? हलवा क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दो। सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? गुरुग्राम है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है या पुणे है? जनता ने, सर ने क्वेश्चन पूछा है कि सिलिकॉन वैली आप किसको बोलेंगे? जनता बोलेगी सर हिंदुस्तान का जो सिलिकॉन वैली है, स्टार्टअप सिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, या हम लोग गार्डन ऑफ इंडिया वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु के ऊपर टिक करते हैं, नंबर ले लेते हैं। जून 2021 की एक बात आती है, राज्यसभा के लिए किसको मनोनीत किया गया था? पी चिदम्बरम है, महेश जेठमलानी है, गोपाल सुब्रमण्यम है या मुकुल रोहतगी है? सर ने क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा के लिए किसको मनोनीत किया गया था। राज्यसभा आर्टिकल नंबर, हम लोग 80 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 80 ये बताता है कि राज्यसभा के जो मेंबर है ये इनकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 30 एज होनी चाहिए और इनका जो चयन है वो हमारे एमएलए करेंगे, हमारे राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर करेंगे। 12 मेंबर का जो हमारा चयन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और महेश जेठमलानी जो है इनको मनोनीत किया गया था, नॉमिनेट किया गया था हमारे राज्यसभा में। बहुत बढ़िया तरीके से जनता ने जवाब दिया है। अभी हमने देखा हरभजन सिंह को भी राज्यसभा में मनोनीत किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? सिक्किम की जनजाति कौन सी है? बोरो है, धिमसा है, भूटिया है या होजाई है? इनमें से भौजाई नहीं रहे, भौजाई कौन बोला है? हो रहा है, होजाई है। सर ने क्वेश्चन पूछा है कि सिक्किम में कौन सी जनजाति आपको देखने को मिलेगी? बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जनता बोली है सर सिक्किम जो कि हमारा पॉपुलेशन की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य है लेकिन पूरे इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा यहाँ पर पाया जाएगा। तो कंचनजंगा यहाँ पे पाया जाता है और यहाँ पे भूटिया जनजाति सबसे फेमस है। शायद आपने बाइचिंग भूटिया का नाम भी सुना होगा। कोलोरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झीलों में दूसरे नंबर पे आती है वुलर लेक के बाद। ये हमारे कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर या जम्मू एंड कश्मीर? सर ने क्वेश्चन क्या पूछा जरा ध्यान से देखेंगे। कोलोरू लेक, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के ये हमारे बहुत पानी से इसको हम पानी मिलता है और ये हमारे इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। शायद अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि सर यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए बिल्कुल हमारा आंध्र प्रदेश, यहाँ की कैपिटल अमरावती अभी घोषित कर दी गई है। यहाँ पे एक नंबर राइट आंसर। अच्छा एक बात बताइए, 2021 में जो हमारे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आई थी उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया का प्रेस कितना फ्री है? 128 है, 130 है, 138 है या 142 है? बहुत बढ़िया, नॉर्वे यहाँ पर टॉप पे था और इंडिया की जो रैंक है वो ऑब्वियस सी बात है हम लोग 140 को क्रॉस कर रहे थे, मतलब 142वीं रैंक थी हमारे पिछले साल के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अभी आपको बताना है कि BWF स्विस ओपन जो सुपर 300 है उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? स्विस ओपन 300 जो हमारा बेसल में हुआ था उसको किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? क्या वो हमारे साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, अस्मित चहलिया है या ऋतुपूर्ण दास है? जनता बोलेगी सर हमारे को अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम पीवी सिंधु के ऊपर टिक करके चले आएंगे। लेकिन यार देखो जीके का मतलब होता है कि हमको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए और कभी कभी वो जानकारी हमारे लिए काफी ज्यादा संशयपूर्ण बन जाती है। तो पीवी सिंधु यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, काफी सारे मेडल्स लेकर के आ रही है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, अभी आपको यहाँ पर इनमें से पिक करना है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है, दादा नगर हवेली है या गुजरात है? हमने झांसी रानी मरीन नेशनल पार्क की बात के जवाब देते चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो हम लोगों ने यहाँ पे 200 को क्रॉस कर लिया, बढ़िया 300 की तरफ टारगेट करते। तो झांसी रानी मरीन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, गेथलिया नेशनल पार्क, ये सभी के सभी हमारे अंडमान निकोबार में है, हमारे देश का सबसे पहला यूनियन टेरिटरी है ना। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, खंडाधार वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? झारखंड है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा? आने वाला क्वेश्चन है खंडाधार वाटरफॉल कहाँ पे है? बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पे जनता बोली है सर यहाँ पे अगर हमने सारे वाटरफॉल याद नहीं किए हैं तो हमारी गलती है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन सोचो एग्जाम में बैठे हुए आ गया क्या करेंगे। सही जवाब है उड़ीसा का है बेटा। तो हमारा जो है बहेर पानी वाटरफॉल एंड खंडेधार वाटरफॉल, ये उड़ीसा के सबसे फेमस वाटरफॉल है। नहीं याद है, याद कर लेते हैं। तो SK ने सबसे पहले जवाब दिया है सर उड़ीसा होना चाहिए। लॉरेंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया था 2021 में? लॉरेंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, नोसामी ओसाका है, एस्ले बर्टी है, सोफिया केनेन है या सिमोना हालेप है? सबसे पहले सारे के सारे टेनिस खिलाड़ी है,
तो लॉरेंस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन बने? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं कि सर इसका सही जवाब होना चाहिए एस्ले बर्टी की तरफ। कई लोग जा रहे हैं एस्ले बर्टी के ऊपर जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, लेकिन कई लोग नोमानी ओसाका की तरफ जा रहे हैं, यही दोनों के ऊपर जनता बैटिंग कर रही है। सही जवाब है नोमानी ओसाका, जापान की हमारी है। पिछले साल की ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था, पिछले साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन नोमानी ओसाका ने जीता था, जापान के रहने वाले। विच कंट्री हैज टॉप द ईवाइज रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स रिलीज इन मई 2021? मई 2021 में हमारे अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश नंबर एक पर है? यूएस है, चाइना है, इंडिया है, रसिया है, बताइए। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में नंबर एक का कंट्री कौन सा है? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि सर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में क्या इंडिया को स्थान मिलना चाहिए? तो भाई यहाँ पर जो सही जवाब है, वापस से अमेरिका नंबर एक पर आ गया है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने में। ऑरेंज सिटी, यार ये क्वेश्चन तो यार मैं बिल्कुल पूछना नहीं चाहता था लेकिन पूछ ले रहा हूँ। तो ऑरेंज सिटी आप इसको बोलते हैं। तो नितिन गडकरी जी का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, नितिन गडकरी जी का नागपुर के नाम से फेमस है। नासिक को हम लोग वाइन सिटी बोलते हैं, है ना। मैसूर का सैंडल चंदन जो है वो बहुत फेमस है, लाल चंदन, आपने नाम सुना ही होगा, है ना, पुष्पा। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किस खिलाड़ी ने जीते हैं? ओसेन बोल्ट है, कैटी लेस्की है, माइकल फेलिप्स है या चे लॉन्ग है? सर ने क्वेश्चन पूछा है सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे जनता बोल रही है सर हमारे एक अमेरिकन स्विमर है, अमेरिकन स्विमर का मतलब अमेरिकन तैराक है, जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, उनका नाम है माइकल फेलिप्स। तो माइकल फेलिप्स ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हुए हैं, 23 ओलंपिक मेडल इन्होंने जीते हुए हैं, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जाता है भैया, ये बहुत ज्यादा, मतलब टोटल 28 मेडल है, सॉरी 23 नहीं, इन्होंने टोटल 28 मेडल जीते हुए हैं जिसमें से 23 गोल्ड है, मतलब 28 में से जो है वो 23 गोल्ड है, अकेले गोल्ड है, टोटल 28 है, तो ये भी हमको याद रखना है, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मेडल है। G20 का जो हमारा शिखर सम्मेलन है ये इस बार कौन सा देश करने वाला है? जो हमारे टॉप के 20 देश हैं उनको हम लोग G20 बोलते हैं, और उनमें से हमारा कौन है जो इसकी मेजबानी करने वाला है? इटली है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, ब्राजील है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर इंडिया को करवा दीजिए, है ना। वैभव प्रकाश बोला सर इंडिया को करवा दीजिए, तो सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर इंडिया, जितने लोग इंडिया बोल रहे हैं जवाब बिल्कुल सही है। तो इंडिया इस बार हमारे G20 की सबमिट कराने वाला है 2023 में, है ना, 2023 की, याद रखने। इस बार हमारा जो होस्ट सिटी था एनवायरमेंट डे का 2021 में वो कौन सा था? एनवायरमेंट डे का जो हमारा होस्ट कंट्री है वो कौन सा है था? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या ब्राजील? भैया पाकिस्तान भी ऑप्शन में है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बोल रहे हैं सर सही जवाब होना चाहिए हमारा, कई लोग इंडिया बोल रहे हैं। भाई 5 जून को हमारा मनाया जाता है और पाकिस्तान को इस बार मौका मिला था होस्ट करने का, तो 5 जून को पाकिस्तान ने मेजबानी की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरिया सिटी है तो करेंसी क्या है? दिनार है, यूरो है, रियाल है या येन है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ हमारे अल्जीरिया? तो अल्जीरियन सिटी जो है वो यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है, बहुत बढ़िया तरीके से जनता ने पिक किया हुआ है कि सर यहाँ की जो करेंसी है, बहुत स्लो वॉइस आ रही है, कंप्यूटर जी अगर हमारे सुनने होंगे तो वॉइस स्लो आ रही है क्या? दिनार है, दिनार इज द करेंसी ऑफ अल्जीरिया। मौलिंग नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मौलिंग नेशनल पार्क, मैंने कई बार आपको तरीका याद करने का बताया, इंडिया में सबसे पहले जहां पर होती है मॉर्निंग उसी को हम लोग बोलते हैं मौलिंग नेशनल पार्क। यहाँ पे जनता क्या होना चाहिए? जनता बोलेगी सही उत्तर होना चाहिए मौलिंग नेशनल पार्क जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में जो है वो मॉर्निंग सबसे पहले होती है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से टिक कर सकते हैं। साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी कहाँ पर होने वाली है? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर या 1, 2, 3? तो यहाँ पर जनता बोलिए सर आवाज एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जनता बोलिए सर साइकिलिंग समिट 2021 की जो होने वाली है, मुझे लगता है साइकिलिंग का मतलब होता है रोटेशन, रोटेशन का मतलब होना चाहिए पहले दिल्ली में होगी, फिर मुंबई में, फिर बंगलौर में, है ना। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 का पूछा हुआ है, हमारी रैंक क्या थी? व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2021? हमारा फिनलैंड नंबर एक पे था पिछले साल भी और इस साल भी, तो पिछले साल हमारी रैंक क्या थी? तो जनता यहाँ पे बोली है सर इस साल तो रैंक आपने पढ़ाया था करंट अफेयर्स रूबे 6 बजे की 136वीं है, लेकिन पिछले साल जो हमारी रैंक थी वो थी हमारी 139। जितने लोग यहाँ पर 139 बोल रहे हैं उन बच्चों को नंबर मिलता हुआ दिख रहा है। भारत में सिल्क सिटी के नाम से आप किसको जानते हैं? जहां पर रेशम के कीड़े से
जो है वो सिल्क का उत्पादन होता है वो कौन सा, जमशेदपुर है, पटना है, गोरखपुर है या भागलपुर है? बहुत बढ़िया, सिल्क सिटी के नाम से आपके शहर को जानते हैं, बहुत बढ़िया। जनता बोलिए, सर हमारे हिंदुस्तान में जो रेशम के कीड़े बॉम्बेक्स मोराई के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, रेशम का कीड़ा जो मलबरी जिसको हम लोग सहतूत का पेड़ बोलते हैं, ये बॉम्बेक्स मोराई वहां पर आपको देखने को मिलता है, और ये हमारा भागलपुर, भागलपुर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को धर्मपाल ने बना करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा था। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया था भागलपुर में। पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, जिसको आप लोग NTPC बोलते हो, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? विंध्याचल है, मुंद्रा है, इस्पात है या रिहंद थर्मल पावर प्लांट है? क्या होना चाहिए दोस्तों इसका सही उत्तर? बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोले सर पूरे इंडिया का आपने सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट पूछा है, वो होना चाहिए हमारे, बिल्कुल ये हमारे मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट के नाम से मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा है? ये कोयना हवर हाइड्रो पावर प्लांट है जो कोयना नदी के ऊपर बना हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, माय लाइफ फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये किताब किसने लिखी है? माय लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर किसने? इंदिरा नुई, सुष्मिता सेन है, रंजीत होस कोटिंग है या जाह्नवी बरुआ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। यहाँ पे जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है, इसका सही जवाब होना चाहिए विंध्याचल। बहुत बढ़िया, यहाँ पर जनता होना चाहिए इंदिरा नुई इज राइट आंसर। पेप्सिको की भूतपूर्व चेयरमैन और दो बार की टाइम्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर की विजेता है इंदिरा नुई, और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, इन्होंने किताब लिखी है, एग्जाम में पूछ सकता है, माय लाइफ इन वर्क। हु टेक ओवर द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इन फरवरी 2021? अखिल भारतीय रेडियो समाचार के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है? कुलदीप सिंह धाटवालिया है, वेणुधर रेड्डी है, राजीव गौबा है या वसुधा गुप्ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे स्टेट PSC में पूछा गया है, अब आपको बताना है कि क्या होना चाहिए, SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आवाज नहीं आ रहा है, अपना हेडफोन चेक करो जरा, आवाज आ रहा है बहुत अच्छे से आ रहा है। यहाँ पे जनता बोल रहे हैं सर सही उत्तर होना चाहिए हमारे अखिल भारतीय रेडियो समाचार पत्र में N वेणुधर रेड्डी जो है इनको शामिल किया गया, तो जितने लोग यहाँ पर दो नंबर जवाब दे रहे हैं उनको यहाँ पे नंबर मिलने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तावा नदी होशंगाबाद के किनारे बहती है मध्य प्रदेश में, ये किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, तापी की, व्यास की या गंगा की? हमारी तावा नदी जो है होशंगा जो शहर होशंगाबाद उसके किनारे बहती है, अभी आपको बताना है कि ये हमारे किसकी सहायक नदी है। बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पर जवाब दे रही है, सर अगर तावा नदी की बात करेंगे तो ये तापी की नहीं नर्मदा की सहायक नदी है, भारत की छठवीं सबसे बड़ी नदी है, 1310 किलोमीटर लंबी नदी है नर्मदा, है ना, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। ऑल सोल्स डे ये हमारे कहाँ का त्योहार है? ऑल सोल्स डे नाम लग रहा है यार ये इंग्लिश में, तो ये कौन से लोग मनाएंगे, बौद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिज्म या मुस्लिम, क्या होना चाहिए, कौन से कम्युनिटी के लोग ऑल सोल्स डे त्योहार को मनाते हैं? बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पर जवाब दे रही है, आंकड़े को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं 280 की तरफ। वॉइस लो आ रहा है, अविका बोल रही है, वॉइस इसलिए लो आ रहा है कि हम ही धीमे बोल रहे हैं यार, सही जवाब होना चाहिए क्रिश्चियनिज्म। कंप्यूटर की आवाज लो आ रहा है क्या? यहाँ पे जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए तीन नंबर, क्रिश्चियनिज्म की तरफ जनता जाना चाहेगी। किस देश ने दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड के 7 देशों के साथ मेजबानी की, मतलब हमारे पूरे G7 के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उन सभी को बुलाया गया है, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस या इटली, क्या होना चाहिए? हमारे जो G7 के हेल्थ मिनिस्टर है उन सभी को बुलाया गया इस 2 दिन की समिट में, तो यहाँ पे जनता बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए जिन्होंने सभी को ऑक्सफोर्ड में बुलाया गया, तो यार मैंने मुझे लगता है कि रीतांजलि मुझे खेल जाना चाहिए ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सफोर्ड हमारा ब्रिटेन में है, कभी कभी कुछ बातें याद रखना से अच्छा है अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, तो यहाँ पे सही जवाब जाएगा ब्रिटेन। और हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कौन है, अभी उस समय थे हमारे हर्षवर्धन साहब, अभी है मनसुख मंडाविया, जिनको देख के मन में सुख आ जाता है, तो मनसुख मंडाविया हमारे देश के क्या है, हेल्थ मिनिस्टर है, और याद रखिएगा ये भी हमारे राज्यसभा के मेंबर है, गुजरात से ये भी राज्यसभा के मेंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, मई 2021 में 74 हमारे जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की वर्चुअल मीटिंग थी उसको किसने एड्रेस किया था, मोदी जी ने, राजनाथ सिंह है, डॉक्टर हर्षवर्धन है या महेंद्र नाथ है? मई 2021 की बात पूछ रहे हैं, बताइए क्या होना चाहिए। जनता फिर से यहाँ पे जवाब दे रही है कि सर हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्टर थे वही पार्टिसिपेट करेंगे,
तो उस समय जून 2021 में अगर बात करेंगे तो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, चांदनी चौक जो कि सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे इंडिया का, वहां से ये चुन के आए थे, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के ऊपर टिक करेंगे। बट इनको रिप्लेस कर दिया मनसुख मंडाविया जी ने, जो राज्यसभा के मेंबर है, कहां से, गुजरात से। दुलस्ती डैम सिचुएटेड इन द विच बैंक ऑफ रिवर, चिनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है, दुलस्ती डैम की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे अंता बोली है, सर दुलस्ती डैम की अगर आप बात करेंगे तो नाम से ही हम इसको पिक करने की कोशिश करते हैं, कैसे कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी आना चाहिए। तो ये हमारा, ये जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। चिनाब, चिनाब को आप रिलेट कर सकते हैं चुनाव से, और चुनाव आता है तो हम क्या होते हैं, बहुत लालच दिया जाता है। तो चुनाव, चिनाब नदी का जो ओरिजिन है ये बरालाचा पास से है, बहुत लालच, बरालाचा। तो बरालाचा पास जो कि हिमाचल प्रदेश से है, वहां से ये नदी का ओरिजिन होता है, देन उसके बाद से ये सिंध नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, क्वींस सेबेरी रूल हमारा किस गेम से रिलेटेड है, क्वींस सेबेरी रूल किससे, टेनिस से, बॉक्सिंग से, पोलो से, बिलियर्ड से, बताइए क्या होना चाहिए। तो क्वींस बेरी रूल्स की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से डकवर्थ लुइस का जो नियम है वो क्रिकेट से संबंधित है, उसी तरीके से क्वींस बेरी का जो नियम है ये हमारा रिलेटेड है किससे। बहुत बढ़िया, जनता बोलिए सर सही जवाब होना चाहिए, बॉक्सिंग, 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 बॉक्सिंग इज राइट आंसर। और यहाँ पर दो नंबर के ऊपर टिक करना है, नंबर मिल जाएगा। तो गाइज हमारे पे ओलंपिक में जो दो बॉक्सर है हमारे लिए पदक लेकर के आए हैं, मतलब मेडल लेकर के आए, एक का नाम है एमसी मैरी कॉम, मैंने एक का नाम, फीमेल का नाम बताया एमसी मैरी कॉम, शायद आपने नाम सुना होगा, मेल का नाम आप लोग बता दीजिए, ये फीमेल है जो ओलंपिक में पदक लेकर के आए, कोई मेल का नाम याद आ रहा है जिन्होंने ओलंपिक में पदक लेकर के आया हमारे लिए। बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पे जवाब दे रही है, सर सही जवाब होना चाहिए, जो बॉक्सिंग में मेल कैटेगरी में हमारे लिए पदक लेकर के आए हैं, मेडल लेकर के आए, बिजेंदर सिंह, शायद सभी को याद होगा वो हमारा बीजिंग ओलंपिक 2008 जिसमें ये हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए थे, उनका नाम है बिजेंदर सिंह। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे यहाँ पर कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने हिमालयन पिंक सॉल्ट को अपना जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर घोषित किया था, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, या इंडिया है, आपका फेवरेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हिमालयन पिंक सॉल्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसने घोषित किया। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे जनता बोली है, सर हिमालयन पिंक सॉल्ट जनवरी 2021 में हिमालय से ये जो सॉल्ट है इसकी खोज की गई थी, पाकिस्तान ने कहा हमारा है, हम किसी को नहीं देंगे, तो हमने कहा ले ले यार, खुश रहे भाई तू। अब आपके सामने पिज्जर प्राइस, पिज्जर प्राइस 2021, ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, और आपको ये बताना है कि किसने ये प्राइस जीता हुआ है, एनी लेकाटन है, इजोजकी है, वीवी दोसाई है, या राफेल अरांदा है, किसको ये पिज्जर प्राइस दिया गया था, जल्दी से जवाब देना है। 2021 का पिज्जर प्राइस आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत बढ़िया, तो सारे के सारे बच्चे बोले सर इसका सही जवाब होना चाहिए, हमारे एनी लेकाटन, इनको ये अवार्ड दिया गया था प्रिजर प्राइस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डांस जो है ये हमारे नागालैंड से एसोसिएट है, अकीरी है, लूर है, मोनी लिया है, या लावनी है, कौन सा डांस जो है ये हमारा रिलेटेड है नागालैंड से, नागालैंड से कौन सा रिलेशन है डांस का। तो गाइज यहाँ पे अगर अकीरी डांस की बात करेंगे, एमपी से, मध्य प्रदेश, एमपी सर, लू डांस हरियाणा में होता है, हरियाणा का फोक डांस है। अगर हम लोग लावनी की बात करेंगे, महाराष्ट्र में होता है, सुमित भाले ने इसमें गोल्ड मेडल भी जीता है, और मोनो आसो, मोनिया आसो अगर आप टिक करेंगे तो नंबर मिल जाएगा। केबी लामजो जो कि पूरे वर्ल्ड का एक मात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कौन से राज्य में है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, या मेघालय। केबी लामजो की बात कर रहे हैं, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, अब ये थोड़ा सा ओल्ड डेटेड क्वेश्चन हो गया है ना। तो यहाँ पर जनता सही जवाब क्या होना चाहिए, तो जनता बोलेगी सर अगर यहाँ पे आप केबी लामजो की बात करेंगे तो लोटक लेक, लोटक लेक कहाँ पर है, मणिपुर में है, और नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लेक है ये, आपको वहां पर देखने को मिलेगा, दो नंबर इज राइट आंसर। जनवरी 2021 में हमारे गणतंत्र दिवस की, मैं यहाँ पर 2021 की बात कर रहा हूँ, 2022 की नहीं, हमारे यहाँ पर कौन सी जो झांकी थी जिसको सबसे पहला प्राइज मिला था, यूपी है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, गुजरात है, क्वेश्चन को देखिएगा, कौन सी ऐसी झांकी थी जो नंबर एक के स्थान पर थी 2021 में। जनता यहाँ पर जवाब देते हुए दिखाई दे रही है कि सर सही जवाब होना चाहिए मणिपुर, पिछले क्वेश्चन का जवाब है, इसका सही जवाब है हमारा उत्तर प्रदेश, 2021 में टॉप पे थी, यहाँ पे प्रथम पुरस्कार जीता हुआ था, तो यूपी अयोध्या की झांसी, और 2022 में अयोध्या की झांसी, और 2021 में अयोध्या की, और 2022 में झांसी की झांकी को पहला प्राइज मिला था।
अभी आपको बताना है कि हमारे मार्च 2021 में 14th यूएन कांग्रेस जो हुई थी उसमें आप क्राइम प्रिवेंशन एंड क्राइम जस्टिस को लेकर के जो हमारे सिटीज चुने गए थे वो कौन से थे, ओसाका था, क्यूटो था, हिमेजी था या नागायो था। तो यूएन की जो हमारे क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस को लेकर के मीटिंग हुई थी उसका हमारा होस्ट सिटी कौन सा था। बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पर बोल रही है सर यूएन कांग्रेस का जो ये हमारा हुआ था ये हुआ था हमारे, बिल्कुल सही जवाब है क्यूटो, जापान का शहर, और इसी के तर्ज पर बनारस को बनाया जा रहा है, बन चुका होगा। भारत रत्न पहने पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। भारत रत्न हिंदुस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, पहला भारत रत्न किसको दिया गया था फीमेल कैटेगरी में, जल्दी से जनता जवाब देगी। तो यहाँ पे जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है भारत रत्न, तो 1954 में सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे जो सबसे पहली महिला है वो हमारी कौन सी थी, तो यहाँ पर जनता इंदिरा गांधी जी के ऊपर टिक कर रही है। 1971 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया था, तो इंदिरा गांधी जी राइट आंसर है। कई लोग यहाँ पर मदर टेरेसा बोले, मदर टेरेसा को 1980 में मिला था, इंदिरा गांधी जी को 1971 में, और कब से दिया जा रहा है तो 1954 से भारत रत्न दिया जा रहा है, तो ये भी हमको याद रखना है। चलिए आगे तब चलते हैं। अच्छा, लता मंगेशकर जी जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है उनको कौन से साल में दिया गया था, कौन बताएगा। लता मंगेशकर जी जिन्होंने अभी हमारा साथ छोड़ा है उनका जो है वो कब हुआ था निधन चलिए तो यहाँ पर जनता बोली गई सर सही जवाब होना चाहिए लता मंगेशकर जी का जो हमारे अगर भारत रत्न की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे किसी ने बताया 2001 उनको नंबर मिल जाएगा, तो लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राग इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, प्राग जो है वो किसकी कैपिटल है, ओमान की है, चेक रिपब्लिक की है, मालदोवा की है या इथोपिया की है, क्या होना चाहिए। प्राग इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, बहुत बढ़िया सभी बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं पराग, ये हमारे जिस ओमान की कैपिटल मस्कट है, ओमान की कैपिटल मस्कट है, पराग इज द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक, इथोपिया की कैपिटल अदीस बाबा है, इथोपिया कैपिटल क्या है अदीस बाबा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2021 में जो हमारे सेंसस जनगणना होनी थी उसका थीम क्या था, व्हाट इज द थीम ऑफ सेंसस ऑफ 2021, जल्दी से जवाब देना है फिर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। गाइस सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर सेंसस हुई थी वो 1871 में हुई, लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंसस थी, ये लॉर्ड मयो ने कराया था लेकिन ये इनकम्प्लीट थी। अब उसके बाद से जो पहली हमारी कंप्लीट सेंसस हुई वो 1881 में हुई थी, ये कंप्लीट थी, और उसके हर 10 साल में हमारी जो है वो सेंसस जनगणना होती है। अब हमारे यहाँ पर 2021 में होनी थी और इसका था जनगणना से जन कल्याण तक, तो ये 1871 में पहली हुई थी लेकिन ये इनकम्प्लीट थी, 1881 में कंप्लीट सेंसस हुई। और एक बार ऐसा भी समय आया जब निगेटिव ग्रोथ हुआ था हमारी किसमें जनगणना में, वो हमारी 1921 की थी जब निगेटिव ग्रोथ हुई थी ड्यू टू स्पेनिश फ्लू जब फैला था, तो वो एक ऐसा जनगणना का समय था जब निगेटिव में सेंसस बढ़ी थी। अब हमारे 2011 की सेंसस अभी लेटेस्ट है उसको हमें करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये वाली तो कंप्लीट हुई नहीं है, वहां से क्वेश्चन कंप्लीट आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2021 में दिलीप कुमार साहब का निधन हुआ, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड कब मिला था। दिलीप कुमार जी को शायद जानते होंगे, एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, इनका साथ छूटा हमसे, और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड कब जीते थे। बहुत बढ़िया, हाँ आधार से सेंसस हो सकता है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है, हिंदुस्तान में कम से कम 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो भैया 15% हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत होती है, तो सही जवाब होना चाहिए 1994 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। टोडा जनजाति कौन सी पहाड़ियों पे आपको देखने को मिलेगी, जनसौर की पहाड़ियां गारो की है, नीलगिरी हिल्स है या जयंतिया की पहाड़ियां, कहां पर आपको टोडा की जनजाति देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया, 1994 होना चाहिए, बिल्कुल जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो हमारा साथ छोड़ के गई हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। यहाँ जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए हमारे नीलगिरी की पहाड़ियां, एक्चुअली लाइट चली गई है मुंबई में जिसकी वजह से स्टूडियोज के दरवाजे खोल करके पड़ा रहे, इसकी वजह से उनको बैकग्राउंड में नॉइज आ रही होगी, मेरी आवाज भी कहीं ना कहीं जा रही होगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर नीलगिरी हिल्स इज राइट आंसर, नीलगिरी हिल्स ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, तमिलनाडु में आपको ये देखने को मिलेंगी,
यहाँ पर तीन नंबर जितने बच्चे बोल रहे हैं जवाब उनका सही है। प्रिजर प्राइज, अभी आप लोगों ने प्रिजर प्राइज जीतने वाले व्यक्ति का नाम बताया था, लेकिन हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति जिसने ये अवार्ड जीता उसका नाम क्या है? बालकृष्ण दोषी है, चार्ल्स कोरिया है, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, या अनंत राजे है? क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जनता क्या बोल रही है? जनता बोली है सर अगर आप यहाँ पे प्रिजर प्राइज जीतने वाले के ऊपर टिक करना चाहेंगे तो वो है हमारे बालकृष्ण दोषी जिनको ये अवार्ड मिला था, तो यहाँ पर हम फिर से एक नंबर के ऊपर टिक करेंगे। चलिए 2021 की एक वॉर एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्स डेजर्ट नाइट, ये एक बायलेटरल एयर फोर्स की एक्सरसाइज है जो इंडिया और किसके बीच में हुई? रसिया है, यूएसए है, यूके है या फ्रांस है? हमारे जो एक्स डेजर्ट नाइट है ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुई थी? जल्दी जवाब देना है, जल्दी से। तो यार 20 बच्चे कम है 300 में, जल्दी से आंकड़ा खींचते थोड़ा सा। यहाँ जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए ये इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज हुई थी। तो वरुण एक्सरसाइज हो, एक्स डेजर्ट एक्सरसाइज हो, ये फ्रांस के साथ हम लोग करते हैं। फॉर्मूला वन स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स को जीतने का श्रेय किसको जाता है मई 2021 में? स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जो हमारे ड्राइवर होते हैं फॉर्मूला वन चलाते हैं वो सारे नाम लिखे हुए हैं, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीती थी? सर यार इतना कैसे याद रखेंगे, इसीलिए तो रिविजन करा रहे हैं कि अगर तुम्हें ये सारे क्वेश्चन 1000 में से बहुत सारी चीजें रिवाइज हो रही है। यहाँ पे जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए लुइस हैमिल्टन, मतलब जून 2021 तक जितनी भी हमारी मोटर रेस हुई है सब इन्होंने जीती है, सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड इनके पास है भाई साहब। अरावली जो श्रेणी है ये कौन से राज्य में है? सुबह करंट अफेयर्स में मैंने आपको आज अरावली के ऊपर बताया हुआ था, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या उत्तराखंड? तो दोस्तों हमारे जो एक हिस्सा जहां पर बारिश नहीं होती है अरावली माउंटेन की वजह से और ये पूरा डेजर्ट है उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान जितने लोग बोल रहे हैं सही जवाब है। इसका सबसे ऊंचा जो हमारा पॉइंट है वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर इज अ हाईएस्ट पॉइंट, गुरु शिखर जो है सबसे ऊंचा पॉइंट है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है बी साई प्रणीत इनमें से कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? बी साई प्रणीत जो है ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी है, बैडमिंटन है, शतरंज है या मुक्केबाजी है? किस खेल से जुड़े हुए हैं बी साई प्रणीत? यहाँ पे जनता बोली है अगर आप बी साई प्रणीत की बात करेंगे तो ये कैसे खिलाड़ी हैं जो कि कई लोग बोले सर बैडमिंटन खेलते हैं, कई लोग बोले सर चेस खेलते हैं, बैडमिंटन की तरफ ज्यादा जनता जा रही है, सर बैडमिंटन इज राइट आंसर। तो लक्ष्य सेन हो, बी साई प्रणीत हो, ये सब बैडमिंटन के उभरते हुए सितारे हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसको दिया गया था? अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, मनोज वाजपेयी है या शाहरुख खान है? बेस्ट एक्टर कौन थे हमारे किसमें? अवार्ड का नाम है नेशनल फिल्म अवार्ड्स। बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पर बोलेगी सर हमारे यहाँ का जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स है इसमें बेस्ट कैटेगरी का जो अवार्ड है काफी ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को, कई लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे हैं, कई लोग मनोज वाजपेयी बोल रहे हैं, कई लोग अक्षय कुमार भी बोल रहे हैं। सही जवाब होना चाहिए मनोज वाजपेयी और धनुष को ये अवार्ड मिला था। पिछले साल का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो अक्षय कुमार जी को मिला था, तो ये भी याद रखना है हमको, अक्षय कुमार जी को दादा साहब फाल्के 2021 का मिला था, धनुष और मनोज वाजपेयी को हमारा फिल्म नेशनल अवार्ड मिला था फिल्म में। ठीक है भाई, चलिए गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला में इनमें से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जीता है? 2022 का एस्ले बर्टी ने जीता हुआ है, रिटायरमेंट भी ले लिया उन्होंने, लेकिन 2021 का किसने जीता था बताइए, आपके सामने ऑप्शन है बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिनको लॉरेंस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर भी मिला, जापान की रहने वाली है और इनका नाम क्या है? कंगना 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 को मिला था वहां पे अवार्ड हमारा नेशनल फिल्म में। सही जवाब है नोमानी ओसाका, तो ये हमारे लॉरेंस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर भी है और ये हमारे ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? एस्ले बर्टी ने जीता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की है, रिटायरमेंट भी ले लिया एस्ले ने, एस्ले ने क्या कर लिया रिटायरमेंट भी ले लिया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय शिमला है, चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, हर एक फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, है ना, और ये हमारा फेवरेट शहरों में से एक है। जनता बोले सर होना चाहिए यहाँ पे माँ दुर्गा क्या प्लेस, इनको हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं, कोलकाता इज राइट आंसर, यहाँ पे सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। इजी क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देख लेते, हमारे यहाँ पे हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा वॉल्केनो माउंटेन कौन सा है? ओलंपस मोन्स है, बैरन द्वीप है, माउंट फूजी है या माउंट एंटना है? वो लार्जेस्ट वॉल्केनो इन अवर सोलर सिस्टम कौन सा है दोस्तों? बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पर बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा है इसका सही जवाब जितने भी बच्चे बोल रहे हैं सर होना चाहिए, बोलो भाई बोलो,
बोलो बोलो बोलो। यहाँ पर जनता बोलेगी इनटेंगिबल दुर्गा पूजा को मिल गया है, बहुत बढ़िया अनुराधा। यहाँ पे होना चाहिए निक ओलंपियास मून्स। यहाँ पर जितने लोग बोले कहाँ पर है ये, हमारा मार्स पे है, मंगल पे है, गलती यही यही गलती करवाते हैं। मई 2021 में भारत ने यूनेस्को हेरिटेज में कितनी साइटों को अस्थायी रूप से जोड़ा गया था, ये हमारा चेंज हो चुका है, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम क्या था, जो हमारा 2021 था वो किसको लेकर के हमारे यहाँ पर नाराई डे कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाते हैं भाई साहब। अब आपको बताना है इस बार का थीम क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए, इनमें से कोई एक के ऊपर टिक करो। बहुत बढ़िया, सभी लोग यहाँ पर बोले आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आर आत्मनिर्भर। ठीक है, तो हमारे जो गांधी जी है वो 9 जनवरी 1915 को हिंदुस्तान में वापस आए थे, और इसी वजह से हमारा ये जो दिन है 2002 से ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 2002 से सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों आत्मनिर्भर भारत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत ये। ठीक है दोस्तों, आप अगर हमारे किसी भी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस का हमारा कोर्स हो या आपका ग्रुप डी का कोर्स हो, किसी में भी जुड़ना चाहते हैं, आप यहां पर कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पंकज सी, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी का क्रैश कोर्स बहुत नॉमिनल सी कीमत होती है, 300 रुपए रेलवे वाले बैचेस के लिए रहती है, और एसएससी वाले बैचेस की कीमत जो है वो 1000 से 1200 रुपए होती है। तो जो भी आप यहाँ पर कोर्स में एनरोल करोगे कूपन कोड का इस्तेमाल करो, डिस्काउंट भयंकर मिल जाएगा, भयंकर डिस्काउंट, समझते हो। इस्लामिक कॉरपोरेशन का जो हमारा हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, इस्लामिक कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। अरे भाई अभी चल रहा है, अभी थैंक यू सो मच नहीं हुआ है भाई, अभी 8 मिनट बाकी है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर जनता बोलेगी सर इस्लामिक हमारे जो कॉरपोरेशन है उसका हेडक्वार्टर हमारे सऊदी अरब में है, और सऊदी अरब का जो बड़ा शहर है जेद्दा, वहां पर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जिद्दा। तो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, 56 कंट्रीज इसमें है, अभी 56 कंट्रीज इसमें आपके हैं, ये भी याद रखना है, हिंदुस्तान इसका सदस्य नहीं है। इनमें से किस शहर को हम लोग ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, कोटा है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, विच सिटी इज नोन एज ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, ब्लू सिटी किसको बोला जाता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए ब्लू सिटी के नाम से हम जिस शहर को जानते हैं, जरा खींचिए थोड़ा सा, यहाँ जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए जोधपुर, जोधपुर इज नोन एज ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, यहीं पे हाई कोर्ट है हमारा जयपुर का, सॉरी राजस्थान का। बहरीन ग्रांड पिक्स फॉर्मूला वन किसने जीता होगा, बहरीन ग्रांड पिक्स फॉर्मूला वन, बेटल है, बेटर वेस्टरपेन है, वोल्टाज है, लुइस हैमिल्टन है, किसने जीता होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब आ रहा सबका, इसका सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 4, लुइस हैमिल्टन के ऊपर टिक करेंगे, नंबर तभी मिलेगा, तो लुइस हैमिल्टन इज राइट आंसर। मुख्य न्यायमूर्ति विनीत कोठारी जी ने इनमें से किस हाई कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है, गुजरात, पटना, मद्रास या बॉम्बे। सर ने प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा हमारा हाई कोर्ट है जहां पर विनीत कोठारी जी को चुना गया है एज ए चीफ जस्टिस। बहुत बढ़िया, जनता यहां पर बोली है सर सही जवाब होना चाहिए गुजरात का जो हमारा हाई कोर्ट है, यहां पर आप देखेंगे विनोद काड़े। सलाल, सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू चेनाब रिवर, और आपको बताना है ये किस राज्य में, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब, सलाल हमारा जो वाटर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कहां पर होगा। यहाँ पे जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज राइट आंसर, जितने बोल रहे जवाब उनका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, 31 अक्टूबर, 9 अगस्त या 2 अक्टूबर। सर ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारा जो ओजोन डे है ये कब सेलिब्रेट होता है, ओजोन डे। यहाँ पे जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए हमारा 16 सितंबर, 16 सितंबर को ओजोन डे होता है, ओजोन हमारी कहाँ पर होती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन पाई जाती है। चलिए
संघर्ष से शिखर तक एक किताब है, काफी इंपॉर्टेंट किताब थी ये हमारे पिछले साल की। तो संघर्ष से शिखर तक ये किताब जो है ये हमारे किसने लिखी है, जनार्दन गहलोत है, सीपी जोशी है, महावीर भोगरा है या गजेंद्र सिंह शेखावत है। बिल्कुल, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक जिससे कि आपको पीडीएफ और हमारे क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, ये जो आपका जो टेलीग्राम का हो सकते है कि हमारा लिंक है, इसको आपको कॉपी करके अपने सर्च बॉक्स में, टेलीग्राम का जो सर्च बॉक्स है वहां पे जाकर के पेस्ट कर दीजिएगा, आप जुड़ जाएंगे हमसे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के साथ, ये आपको यहाँ पे आ रहा होगा, जितने लोगों को अभी नहीं मिला देख रहा होगा आप मेरे नाम से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने का वक्त आ चुका है। जनार्दन गहलोत इज राइट आंसर, एक नंबर यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। कल आपकी वापस से इसका पार्ट नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग पिछले साल के 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को और सहमता से अध्ययन करेंगे। तो आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, लेकिन लाइव आया करिए, जो लोग लाइव नहीं आते हैं। 10:30 बजे आपका क्लास का टाइम है और सुबह 6 बजे। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड जय हिंद, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। हाँ, जाने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपका टेक्स्ट बुक पास खत्म हो गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारे मॉक टेस्ट ओपन हो जाते हैं, कूपन कोड इस्तेमाल करिए PA से पंकज, C से चौबे और PASS, आपको यहाँ पर मिलेगा डिस्काउंट नंबर मैक्सिमम। और अगर आप PANKAJ पंकज और उसके बाद से सी लिखते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, मैक्सिमम डिस्काउंट इन सेलेक्ट कोर्सेज। तो ये पंकज सी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।